नमस्कार दोस्तों, ओमनिसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनिसेंट इंग्लिश के तहत 828वें दिन क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को ऐसे पढ़ा जा सकता है। जैसा कि आपने हमारे दोस्तों थंबनेल में देखा है कि जो एल वर्ड्स हैं जो कि 4 लेटर से शुरू हो रहे हैं और बहुत ही बेसिक से शुरू हो रहे हैं, अगर जिनको भी नहीं पढ़ने आता वो हमारे से पढ़े और देखें कैसे जो है पढ़ा जा सकता है। और बहुत ही आसान तरह से जो अटक रहे हैं या जो स्पीड में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी आपके दिमाग में समस्या है इंग्लिश को पढ़ने को लेकर, सब आपको यहाँ सॉल्व होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए, आने वाले वीडियो के लिए लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। एक और बात दोस्तों की देखिए, आप चाहे गाँव से हो, ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्र से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप भले ही उम्र के किसी भी पड़ाव पे हैं, इंग्लिश के जो जो वर्ड्स होते हैं वो नहीं पढ़ पा रहे हैं या इंग्लिश नहीं फर्राटे से पढ़ पा रहे हैं या हो सकता है नहीं लिख पा रहे हो या बोलना सीखना चाहते हो, तो सबके लिए एक ही उपाय है कि हमारे साथ बने रहें। और जो भी मैं बताता हूँ आप अगर करते हैं तो बिल्कुल ही बिना किसी बजट के आप सीख सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही। और ये सेशन जो है हमारा कि कैसे बहुत ही आसान तरह से पढ़ना सीख सकते हैं इस पे है। तो चलिए अब अल्फ़ाबेट की बात करते हैं। तो देखिए 21 या एक्चुअली 26 लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट में, ठीक है, जो कि ABCD कहे जाते हैं, लेकिन लोग आज इसे ABCD कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते भी नहीं है। अब इसके दो पार्ट कर दिए गए हैं, AEIOU, ये ब्लैक से मैंने लिखा है। और ये पांच जो दोस्तों भॉवेल है, इसका शुद्ध उच्चारण अगर बात की जाए तो डबल ओ के साथ इसका उच्चारण करने का तरीका जो है शुद्ध पढ़ने के लिए, अगर आप शुद्ध नहीं पढ़ पाते हैं तो कारण है कि आप ये जो पांच है इसको 23 तरह से पढ़ा जाता है। आप कितने तरह से पढ़ते हैं आप इसे जोड़ के बताइए। ए को कितने तरह से पढ़ते हैं आप ये इसको चेक कीजिए। EIOU OO को कितने तरह से आप पढ़ते हैं इसको चेक कीजिए। अगर आपको पता है कि वाकई में आप 23 तरह से उच्चारण कर पा रहे हैं तो यानी कि आप सही से उच्चारण कर पाते होंगे और अच्छे से पढ़ पाते होंगे। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है यानी कि इसमें उच्चारण करने में आपको दिक्कत हो रही है। अब देखिए जो बचता है 21, जी हाँ 21 लेटर जो है कॉन्सोनेंट का है, और ये कॉन्सोनेंट का लेटर दोस्तों कहीं ना कहीं जैसे कि वोवेल्स में था उसी तरह इसमें भी है, 40 है, ठीक है, 40 तरह से उच्चारण करते हैं। जैसे डी 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 को डा बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, और टी का उच्चारण च भी होता है, स भी होता है। अब सोचिए कि टी का उच्चारण क्या स च या स होता है। कुल कह सकते हैं कि जहाँ अल्फ़ाबेट 26 है उच्चारण करने का तरीका है दोस्तों 63, ठीक है, 63 यानी 60+ जो है उच्चारण करने का तरीका है। वर्णमाला की बात की जाए तो दोस्तों वर्णमाला देखिए, वर्णमाला जो है 50 होता है, हिंदी व्याकरण की बात हो 50 होता है। और ये 50 कैसे हो रहा है तो देखिए ये जो स्वर है जो है 14 और व्यंजन जो है 36, दोनों को जोड़ देने से 50 हो जाता है। पर हिंदी के शब्दों को अगर इंग्लिश में लिखा हुआ पढ़ना सीखना चाहते हैं या हिंदी के शब्द को शब्द जो है चाहे वो नाम हो या कोई भी चीज़ हो, कहीं का एड्रेस हो, पता हो, या आप सोशल मीडिया पे आप कोई कमेंट करते हैं, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, अगर या टेक्स्ट मैसेज हो, आप लिखना चाहते हैं कि भाई अपना संदेश देना चाहते हैं और नहीं दे पा रहे हैं, करेक्ट नहीं लिख पा रहे हैं, ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गूगल जो है वॉइस का प्रयोग करते हैं। तो आप ऐसा ना करके आप सीधा टाइप करना चाह रहे हैं करेक्ट करेक्ट, तो जाहिर सी बात है आप जो है इसके लिए वर्णमाला पे अपना पकड़ बनाइए, आपको सब कुछ होगा, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। लेकिन चलिए अब देखिए बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले कि वर्ड मीनिंग पे। तो वर्ड मीनिंग देखिए दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा क्या लिखा हुआ, लर्ड्स सिंपल उच्चारण है, लेकिन हो सकता है कि आप इसे और भी आसान से पढ़ सकें आगे। इसके लिए छोटे छोटे बेसिक्स पे ध्यान देना होगा, क्योंकि बेसिक बेसिक वर्ड्स को अगर पढ़ दिया तो कन्फ्यूज हो जाए कैसे पढ़ना है। अब ये देखिए ल्यूड, हमारे साथ जरूर उच्चारण कीजिए, ल्यूज। नेक्स्ट है लफ, नेक्स्ट लफ्ट, नेक्स्ट ल्यूज, लग, नेक्स्ट है लग, लिगो, लक्स, लाइच, नेक्स्ट है ल्यूट, ल्यूक, लल, लुलू, नेक्स्ट है लुमा। अब देखिए ये जो लंबे, अगर कोई भी वर्ड मीनिंग में जब लेटर जब कैपिटल हो और शॉर्ट में हो, लग रहा हो कि 3 4 5 6 लेटर्स हो, तो आपको सिंगल सिंगल उच्चार करना है, ऐसे आप उसको मिलाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन वो एक कहने का हो सकता है कि एक पॉपुलर नाम पढ़ सकता है, जैसे नाइक लिखते हैं लोग, बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन सिंगल सिंगल उच्चारण होना चाहिए। जैसे LUMO है ना, ऐसे ल्यूमो पढ़ सकते हैं लेकिन LUMO पढ़ना होगा। नेक्स्ट देखिए लंप, नेक्स्ट लम्स,
फिर देखिए लंग है और ये रहा लूना और ये लूने। नेक्स्ट है लंक लन या देखिए ल्यूंट। उसके बाद देखिए लूनी ल्योर लर्क लर्स लट लव लश लस्क लस्ट। नेक्स्ट है लूट लूथ लर्ज लव्स लक्स लैच। देखिए टी सी एच को क्या बोलते हैं, लैटेड। टी डी को टेड बोलते हैं, लैटेड। लैटिन लेटर लेट्स लैटेक्स। ये हो गया एक स्लाइड है। दूसरे स्लाइड पर चलते हैं। लाइम लिड लाइट लारी लबन लबडा लेबल लेबिया लेबिन लेबिस लेबो है ना लेबो लेब्रा लेज्ड लेसो लेटी लेग्ड लेक लेक्स लखा लाक्स लेकिन लक्का। नेक्स्ट है लेंड लेंस लंगी लंका लंक्स लैंकी लैंड्स लाओइस लाओएसी लाओजी लपस लक्सा लल्डी लैमी लैम्प्स लैमीज लैनी लैनस लांस लैंस लैंच लैंच और ये हो गया लैंक्स। फिर देखिए लैंडे, ये हो गया दूसरा साइड। तीसरा साइड ये लैंड लैंड्स लेपल लेप्स लैपिन लैपिस लैप्जे लप्पा लैपा लैप्स लैपी लैप्से लार्ज लार्ज लाड़ी लारी लरेन लेयर्स लार्ज लार्गो लार्ग्स लैरिड लैरिस लार्क्स। नेक्स्ट देखिए लार्की लार्न्स लैरी एल ए आर टी एस लार्ट्स भी पढ़ सकते हैं, एल ए आर टी एस लिख नहीं पढ़ना, ज़्यादा जो है सही होगा। नेक्स्ट है लैरूम लैरस लार्वा लार्वे लैरीज लेज लेसेक। ऐसे आपको उसको पढ़ना है एल एस एस ई ई के, लेकिन एक वर्ड्स आ जाए लेसेक तो आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए लेजर लेजर लेसेस लेशा लेशा लैसिक लैसिक्स लस्सी लैसो ठीक है। उसके बाद लसु लैसी लास्ट और है लटर। ये दोस्तों नेक्स्ट देखिए, तो ये रहा। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे वीडियो को अगर डे वन से देखना चाहते हैं, जी हाँ, तो करना क्या है, ओमनी चंड इंग्लिश यूट्यूब सर्च में गूगल पर टाइप कीजिए ओमनी चंड, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। और वीडियो की संख्या दोस्तों 1,000+ वीडियो है। अगर आप वाकई में पढ़ना सीखना चाहते हैं या शुद्ध शुद्ध लिखना चाहते हैं या बोलना सीखना चाहते हैं, सब कुछ सीख सकते हैं और वो भी बिल्कुल ही इजी स्टेप में, क्योंकि ग्रामर के रूल रेगुलेशन को सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिए गए हैं और जो भी आपके जो वर्ड्स हैं डेली जो बेसिक उसके भी लिस्ट दे दिए गए हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, एक A4 साइज की कॉपी ले लीजिए और उस पर आप जब वीडियो देखेंगे स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद लिखते समय बोल बोल के लिखना, बस यही एक काम करना है, जिससे कि बोलने भी आएगा लिखने भी आएगा। एक और सबसे इम्पोर्टेंट कॉपी आपकी तैयार हो जाए कि रिवीजन के लिए आप हमारे वीडियोज़ पर नए डिपेंड होंगे, बल्कि इस तरह से आप डिपेंड होंगे अपने कॉपी पर, जिससे कि सीखने को मिलेगा। तो यहाँ अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे किस तरह से, तो देखिए ये जो टेक्स्ट है दोस्तों, इस टेक्स्ट के थ्रू मैं बात करूँगा पार्ट्स ऑफ वर्ड। पार्ट्स ऑफ वर्ड एक ऐसा जुगाड़ है जिसके थ्रू आप बहुत जल्दी पढ़ना सीख सकते हैं, भले ही कोई कुछ ना पढ़ा हो, लेकिन अगर वोवेल्स
के उच्चारण आना चाहिए, और स्वर का उच्चारण अगर पकड़ में है थोड़ा सा नहीं भी चलेगा, तो अगर भोबल्स पे है पकड़ तो कुछ ऐसे पाठ्स की चर्चा यहाँ हो जाएगी जो कि बार बार आपको पढ़ने में आसान करा देंगे कोई भी वर्ड्स को, या अगर आप पढ़ते समय अटक रहे हैं, लंबे लंबे लेटर्स में फंस रहे हैं, तो आपको फास्ट पढ़ने में मदद, बहुत ही मदद मिलने वाली है। तो चलिए कैसे, देखिए ये जो टेक्स्ट है एनसीईआरटी के बुक से है, और एनसीईआरटी के बुक से स्टैंडर्ड बुक्स माना जाता है, तो वर्ड्स भी स्टैंडर्ड आ जाएगा। इसमें हिंदी इंग्लिश के दोनों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन अब कहाँ पर इंग्लिश है कहाँ हिंदी है आपके पकड़ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं बता दूँ कि भाई इसमें कुछ हिंदी के भी शब्द हैं। तो चलिए पहले समझ तो लें कि भाई कौन कौन से जो पार्ट्स हैं और किस तरह के पार्ट्स होते हैं। जैसे देखिए डी आई एस जो डिस है, ये एक प्रीफिक्स पार्ट है, जो शुरू में आता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। मान लीजिए ओ यू टी आउट है, ये लास्ट में आया तो सफिक्स पार्ट हो गया। अभी एक ही वर्ड में देखते हैं, जैसे ए वी एल ई को एवल जो है ये हमारा सफिक्स पार्ट है, बार बार ऐसे ही पार्ट ही आएगा। देखिए टी एन जो सन है, ये भी हमारा सफिक्स पार्ट है, ऐसे याद रखिए। आई एन जी इंग जो है सफिक्स पार्ट है ना। ओ यू एन डी जो है ये भी एक सफिक्स पार्ट के रूप में काम करता है, ये अगली पार्ट्स ऑफ वर्ड है। जैसे ए आर लगाता राउंड है, एस कर देते इसके साउंड हो जाता, जी आर कर दे ग्राउंड हो जाता है ना, पी कर दे पाउंड हो जाता है, तो इसी तरह के हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, सर्कल किया को ध्यान से देखेंगे। जैसे देखिए द चीता इज ऑफन, मैंने कल ही पूछा था कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग पढ़ा होगा, लेकिन शुद्ध उच्चारण ऑफन ना कि ऑफ्टन, टी यहाँ साइलेंट है। फिर देखिए मिस टेकन, मिस टेकन के बाद ई है, तो ई एन को एन बोलते हैं, केला केन, मिस टेकन फॉर अ लेपर्ड इट्स डिस्टिंग्विशिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं, मार्क्स आर द लॉन्ग्स, ओ एन जी को ऑंग बोलेंगे, टीयर ड्रॉप, टीयर ड्रॉप, ई ए को ए बोलते हैं, टीयर ड्रॉप सेव्ड, ए के बाद ई है, टीयर ड्रॉप सेव्ड लाइन ऑन ईच साइड ऑफ द नोज, इसको जब बोलते हैं फ्रॉम द कॉर्नर, ईयर कॉर्नर बोलते हैं, कॉर्नर ऑफ इट्स आइज टू इट्स माउथ प्रायर टू द 20th सेंचुरी, ठीक है 20th सेंचुरी चीता वर वाइड, वाइड के बाद एलवाई लोग रहते हैं, तो एलवाई जो एडवर्ब बनाता है कोई वर्ड को, तो आई का उच्चन आई के रूप में हुआ, वाइडली, वाइडली हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड, टी डी को याद रखिए, टेड थ्रू थ्रू आउट अफ्रीका एंड एशिया, हिंदी के शब्द है अफ्रीका एंड एशिया, कोई अंग्रेजी वर्ड नहीं है। टूडे ए वाई को ए बोलते हैं, डी लगा डे, ऐसे टू डे होता है, एस एस ए वाई से, आर ए वाई रे, जी ए वाई जे, एल वाई ले, कई वर्ड बन जाते हैं ए वाई से। द एशियन चीता, चीता हिंदी के शब्द है, इज नियरली एक्स, एक्स को एक्स बोलेंगे, कभी कभी एक्स को एक्स भी बोलते हैं, लेकिन एक्स को ज़्यादा एक्स ही बोलते थे, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट ड्यू टू डेक्लाइन, आई का उच्चारण आई के रूप में, ऑफ अवेलेबल हैबिटेट एंड प्रे द एस्पेसीज, आई एस को ये बोलते हैं, स्पेसीज वॉज डिक्लेयर्ड, देखिए डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया लॉन्ग बैक इन 1952, व्हाट आर द नेगेटिव, टी आई वी को टिप बोलते हैं, नेगेटिव फैक्टर्स दैट काउज सच फेयरफुल डिप्लेशन ऑफ द फ्लोरा एंड फाउना, इफ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल, एबल को एबल, एबल टू फाइंड आउट हाउ वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड नेचर, टी वी आर को चर बोलते हैं, ये आप देखेंगे कैसे चर आता है, कैसे बनता है, जो कि सफिक्स पार्ट है, इन टू आर रिसोर्स, रिसोर्स ही को क्या बोलते हैं, रिसोर्स ऑफ टेनिंग, ऑफ टेनिंग डायरेक्टली, एल वाई के लिए बोलते हैं, एंड इन डायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वुड वर्क्स, लीव्स, रबर, मेडिसिन, डाइस, फूड, फ्यूल, फोडर, मैन्यूर, एटीसी, सो इट इज अ वी आवर सेल्वेज, है ना, हु हैव, इस तरह से जो है पढ़ सकते हैं। तो सर्किल किया हुआ आपको ध्यान से देखें। अब चलिए दोस्तों देखिए, ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए भॉवल्स, मैं इसके ऊपर भी चर्चा करूँगा कैसे बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। तो देखिए ये जो ए है, ए जो है ए ई आई ओ यू डबल ओ, तो इसको पढ़ने या याद कैसे रखेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सभी वॉवेल कहीं भी दिख जाए, आ तो उच्चारण हो गई, ई आई में जो है ई को बढ़ा लीजिए, तो देखिए पांच में से चार यहाँ हो गया, ओ यू डबल ओ में से ऊ को बढ़ा लीजिए, तो आओ 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 का हो गया।
अब यू को तो यू बोलते हैं ना, यहाँ लिखा हुआ ओ को बोलते हैं, लिखा हुआ आई को आई बोलते हैं, लिखा हुआ ए को ए बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ ही है। तो चले अब देखिए प्रैक्टिस कैसे करना है। जैसे ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से वर्ड मीनिंग्स ले लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट ले लीजिए, और ले लीजिए कितने तरह, 100 से 150 के वर्ड मीनिंग आप कलेक्ट करें। और ये जो है दोस्तों 10 दिनों में, जी हाँ दोस्तों 10 दिनों में इसका प्रैक्टिस करिए, 10 दिनों में प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ। लेकिन मैं यहाँ सिंगल सिंगल, जैसे ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से मैं यहाँ बात करूँगा, लेकिन आपको सिंगल सिंगल उच्चारण करना है, फिर मतलब यहाँ देखना है, फिर बाद में एक ही साथ सब पर अप्लाई कर देना है, सभी वॉवेल्स का एक वर्ड पर एक ही साथ अप्लाई करेंगे। जैसे देखिए यहाँ से समझने के लिए ए का कंपनी में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, ए का उच्चारण आ हो रहा है, आपको वर्ड वैसे लेना है जो कि पहले से उच्चारण आपको करेक्ट आना चाहिए या स्पेलिंग भी, नहीं तो हो सकता है गलत आप उच्चारण कर रहे हो। अभी देख कोई भी वर्ड हो सकते हैं, जैसे कार, टॉय, बेबी, शैम्पू, है ना, जॉनसन, पाउडर, कुछ भी याद कर सकते, कुछ भी लिख सकते हैं, उसको देखना है सिर्फ कैसे कैसे आपने अब तक उच्चारण किया। 100 से 150 आप नहीं समझ में आए तो प्लस और ले लीजिएगा। तो देखिए 11वें दिन खुद ब खुद लगने लगे कैसे याद होता है। तो देखिए यह कंपनी में का उच्चारण आ हुआ, सॉल्ट में का उच्चारण जो है आ, केयर में एक का उच्चारण क्या हुआ दोस्तों ए हुआ है, मैप में एक का उच्चारण ए हुआ है, नेक्स्ट परफेक्ट में 2 ई है, पहला ई का उच्चारण जो है अ के रूप में हो रहा है परफेक्ट, दूसरा ई का उच्चारण जो है वो ए के रूप में हो रहा है, दूसरा प्रीफिक्स में जो ई है वो छोटी के रूप में, दूसरा जो है बड़ी के रूप में, 10 में जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में हो रहा है, एस आई सर में आई का उच्चारण क्या हुआ है तो अ, सर में आई का उच्चारण अ हुआ है, फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में, लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में, लाइन बोल रहे हैं, है ना, लाइन। तो देख रहे हैं कि उच्चारण हो रहा है, एस वेंसन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है तो अ के रूप में, आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में, मून में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में, मोटो में 2 ओ है, एक एम के साथ दूसरा टी के साथ, दोनों में ओ का उच्चारण ओ ही हो रहा है, ब्यूटी बट में यू का उच्चारण जो है अ के रूप में हो रहा है, अ हो रहा है ना, बट ब्यूटी पुट में यू का उच्चारण जो है ऊ के रूप में, ट्यून में यू का उच्चारण जो है ई यू के रूप में, एफ एल डब्लो डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है वो अ के रूप में हुआ है, एल डब्लो के लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ना लुक बोल रहे हैं, डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है ऊ के रूप में हो रहा है लुक। तो इस तरह से दोस्तों आपको उच्चारण करना सीखना होगा। 11वें दिन खुद ब खुद लगने लगेगा कि भाई कोई भी वर्ड को आप जैसे हिंदी इंग्लिश में हिंदी के शब्द को पढ़ लेते हैं लेकिन तो ऐसे ही कर पाएंगे। अब चलिए आते हैं वर्णमाला पे बात करते हैं दोस्तों। वर्णमाला हिंदी व्याकरण की बात करते हैं और स्वर जो है 14 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना इंग्लिश आप सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश हम लोग को सीखना है, कोई भी भाषा को सीखना होगा अगर हिंदी से, हिंदी में पकड़ है तभी आप सीख पाएंगे। और जाहिर सी बात है हालांकि ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश है लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए तो पहले हिंदी की जरूरत होगा, उसके बाद इंग्लिश से तो कोई भाषा सीख ही सकते हैं क्योंकि लोग इसी में पढ़ाते हैं। हिंदी से जापानीज नहीं पढ़ाते हैं, इंग्लिश टू जापानीज पढ़ाते हैं, इंग्लिश टू स्पेनिश, इंग्लिश टू हर तरह के लैंग्वेज सिखाया जाता है चाइनीज, लेकिन हिंदी से नहीं सिखाने का अभी तो परंपरा है या टीचर्स नहीं है अवेलेबल, हालांकि दुनिया देश दुनिया में हिंदी के ऊपर जोर दिया गया है। अब देखिए ये जो उच्चारण है अ आ ई ई ऊ री री, मात्रा चिन्ह अ का कुछ नहीं होता, आकार का जो है एक डंटा है, छोटी कार का इस तरह से, बड़ी कार का ये हो गया, ऊ कार का ये, बड़ी कार का ये, री का ये, बड़ी री का ये। अब देखिए अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए जा रहा था, सिंगल ए का सोना, छोटी का आई, बड़ी का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी ऊ का डबल ओ, री का आ रहा है, बड़ी री का आ डबल ई। उसी तरह देखिए ए ए ओ औ अन अ, ए का मात्रा चिन्ह ए आय का ये रहा, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का एक दो ऊपर एक नीचे, अन का ये हो गया, अन आ का ये हो। अब इसमें क्या है कि जब ये मात्रा चिन्ह रहे तो ई लिखेंगे, आ रहा है तो ए आई लिखेंगे, ओ रहे तो ओ, औ रहे तो ए यू, अन रहे तो एन, अ रहे तो एच। तो ये तीन जो है तीन को बहुत ही सावधानीपूर्वक याद रखिए क्योंकि ये अक्सर लोग याद करते समय भूल जाते हैं। एक शब्द ले लेते हैं जैसे मात्रा चिन्ह का, सबसे इंपॉर्टेंट कि हर जगह स्वर नहीं आता डायरेक्ट, आपका उसका मात्रा चिन्ह ही आता है। जैसे मान लीजिए कोई भी शब्द लिखते होंगे तो इस तरह से मात्रा का ही प्रयोग किया जाता है। तो व्यंजन याद होना चाहिए, जैसे कैसे लिखते हैं ये, तो देखिए ये हमारा स्वर व्यंजन है, फिर री को देखिए, री है ये हमारा स्वर हो गया, प्लस जो है ये हमारे देखिए व्यंजन है, छोटी इकार देख लीजिए यहाँ पर, फिर देखिए यहाँ पर व्यंजन है और यहाँ पर जो है तो आकार देख लीजिए। तो ये क्या है, ये है कृतिका लिखा हुआ। कैसे लिखते हैं कृतिका, तो के री का के से क, री के लिए आर आई का इस्तेमाल करेंगे, आर आई, त से टी हो गया, और छोटी कार के लिए जो कि आई का इस्तेमाल होता है तो यहाँ आई हो गया,
और के से क हो गया, छोटी ए, मतलब एक आ के लिए आकार के लिए ए लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा गया, कृतिका। ऐसे ही शब्द को आपको सीखना होगा, लेकिन उसके पहले सबसे पहले जरूरी है दोस्तों कि स्वर को सीखे, व्यंजन को याद रखना जरूरी होगा। व्यंजन एक्चुअली आपको पहले अक्षर बनाना सीखना होगा। तो किसी भी व्यंजन में जब कोई स्वर जुड़ता है तो वो क्या बनाता है दोस्तों, अक्षर बनाता है। ठीक है, ये 14 होता है और ये अक्षर बनता है। तो अक्षर को याद रखिए कि अक्षर कैसे बनता है, सबसे इम्पोर्टेंट यही। तो जितने सारे यहाँ पर दिख रहे हैं व्यंजन, ये सभी के सभी आधे अक्षर हैं। और इन अक्षर को पूरा एक अक्षर बनाने के लिए करना वो क्या है कि मान लीजिए कि मैंने लिखा था क्री, है ना। तो ये क्री कैसे बना, तो क क, तो देखिए ये जो है हमारे पास एक व्यंजन जो कि यहाँ से ले लिया मैंने, इसका इंग्लिश क होता है और री लिख दिया गया। ठीक है, री लिख दिया गया। तो ये री जो लिख दिया गया तो क प्लस री क्री इस तरह से, ये यानी कि ये हमारा व्यंजन, ये स्वर, व्यंजन स्वर। उसके बाद ये हमारे पास एक अक्षर मिल गया जो कि मात्रा चिन्ह के साथ है। कैसे लिखेंगे री क्री, तो आप तो समझ ही रहे हैं के आर आई से क्री होता है, यानी के यहाँ से प्लस जो है री लिख देंगे, क्री, है ना, ये क्री लिखा गया। अब देखिए संस्कृत के शब्दों में अंगा का इस्तेमाल होता है, इया का इस्तेमाल संस्कृत के शब्दों में होता है, और अक्षत्र गया, ये जो है लोग भूल जाते हैं अक्सर। तो इस पर ध्यान देखिए, बाकी सब आप अच्छे से याद कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं दोस्तों कॉन्सोनेंट पे। तो कॉन्सोनेंट जो है अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ और यू को हटा दीजिए, जो भी लेटर्स हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ की उच्चारण करना सीखना है हम लोग को। जैसे बी को क्या बोलते हैं, ब, सी को बोलते हैं क श, डी को ड द, और डी को ज भी बोलते हैं। देखिए सी से क तो होता ही है, लेकिन सी ई से स होता है, सी से स होता है, तो याद रखिएगा सी से स होगा। और एफ से फ होता है, जी से ग भी होता है, ज भी होता है। ज का कुल उच्चारण जो है दोस्तों 5 जगह होगा, आप गिनते रहेंगे, एक डी के साथ, दूसरा जी के साथ, आगे बढ़ेंगे। एच से ह होता है, जे से ज, या तीसरा ज हो गया। के से क, फिर क हो गया, के से क, एल से ल, एम से म, एन से न, पी से होता है प, क्यू से क्यू, आर से रड, एस से स, और ज भी होता है 4 जगह, टी से ट, तो होता है छ, भी होता है। ये हो गया भी से व, डब्ल्यू से व। एक्स को एक्स बोलते हैं, देखिए एक्स को एक्स बोलते, वाई को या जेड को जज है, तो ये मिलाकर जेड जब 5 जगह। अब एक्स को तो एक्स बोलते हैं, ई एक्स से भी वर्ड मीनिंग होता है, तभी एक्स से उच्चारण होता है, या एक्स भी बोलते हैं। ठीक है, एक्स भी उच्चारण करते हैं। अब इसे एग्जाम्पल में ओ एक्स में एक्स का उच्चारण क्या हो रहा है, एक्स होता है। फॉक्स में भी एक्स का उच्चारण एक्स हो रहा है, लेकिन वर्ड मीनिंग कभी कभी आपको ई एक्स से मिलते हैं, जैसे एक्सक्यूज, है ना, या एग्जाम। अब देखिए उच्चारण करके कि कहाँ पर एक्स, कहाँ पर एक्स हो रहा है, हो रहा है कि नहीं। इसके अलावा देखिए के क का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है, इसको देखिए। तो सी से का, के से का, और सी के से का हो गया, क्यू से भी का, क्यू यू ई से भी का हो गया, और सी एस से भी का, इतना का तो ऐसे ही हुआ है। अब टी से टता तो होता चसा कैसे हो गया, जैसे टी यू आर ई को बोलते हैं चर, और टी यू एल को बोलते हैं चुअल। तो ये जो है दोस्तों चर है जो कि सफिक्स पार्ट है, ये जो है चुअल है जो कि हमारा सफिक्स पार्ट है, और ये सफिक्स पार्ट बार बार ऐसे ही रिपीट होते हैं। उसके अलावा टी आई ओ एन को बोलते हैं शन, टी आई एन को बोलते हैं शन, और टी आई ए एल को बोलते हैं सी एल। देखिए ठीक है, सन हो या सी एल हो, ये सभी सफिक्स पार्ट हैं, जैसे इसे वर्ड मीनिंग बनते हैं। चर से नेचर, फर्नीचर, चुअल से एक्चुअल, फैक्चुअल, सन से कंडीशन, एक्शन, सीएल से इसेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, ऐसे वर्ड मीनिंग बनते हैं। तो ये सब याद रखना होगा आपको, अच्छे तरह से याद रखते हैं तो बहुत ही सहूलियत होगी तभी। अब बात करते हैं तो कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल्स पे। वॉवेल्स हमेशा आपके दिमाग में नहीं रहेंगे, उच्चारण कैसे यहाँ पर 23 तरह से होता है, इसको यहाँ पर मैं प्रूफ कर रहा हूँ, ये देखेंगे, आपने पहले भी देखा है। ये सिंगल अगर कहीं वॉवेल आए तो उसका सिंगल सिंगल उच्चारण कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जब वर्ड मीनिंग में ही उच्चारण आ जाए तो दिक्कत होने लगता है। जैसे यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ के देखिए कि कैसे जो है दिक्कत होते हैं, समझने की बात है। अब ये देखिए यहाँ पर, और एक और वर्ड ले लेते हैं, क्योंकि 4 लेटर्स हैं, 4 का उच्चारण कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है पहला में मास पढ़ते हैं, यानी कि ए का उच्चारण आ के रूप में मास, दूसरा में एम ए डी मेड, ए का उच्चारण ए के कर रहे हैं, यानी कि ए यहाँ पर कन्फर्म ए ही हो रहा है जो कि उच्चारण यहाँ है इक्वल। एम ए डी मैड में ए का उच्चारण यहाँ हो रहा है मैड, और मेडल में ए का उच्चारण जो आ के रूप में हो रहा है, तो चारों उच्चारण हो रहे हैं। अब सभी जगह आप ए अप्लाई करते होंगे, अभी तो फेमस वर्ड है ना, अगर मान लीजिए कुछ टिपिकल टेढ़े टेढ़े वर्ड मीनिंग आ जाए वहाँ पर, सभी जगह आप ऐसे ही अप्लाई करना, सिंपल सिंपल, पहले लोग सिंपल ही अप्लाई करते हैं, अब उनको क्या पता कि भाई यहाँ पर टेढ़ा अप्लाई करना है, यहाँ पर दूसरा अप्लाई करना है। इसके लिए आपको ज़्यादा ज़्यादा वर्ड मीनिंग सुनेंगे, अगर सुनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं सुनते तभी आपको दिक्कत परेशानी होती है। तो चलिए
इस बात को आप समझ रहे हैं अच्छे तरह से। अब देखिए इसके बाद ई का उच्चारण क्या क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए पी ई आर में ई का उच्चारण क्या हो रहा था, आ के रूप में पर, है ना, या पी ई एन लिखते हैं पेन में ई का उच्चारण क्या हो रहा है ए, लेकिन बोलते हैं ई, तो ई तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना ई, जाहिर सी बात है लोग अटकेंगे अगर दिक्कत होगी तो। अब देखिए आई में एस आई एस आर में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आई का उच्चारण आई नहीं हो रहा बल्कि अ हो रहा है। फिर देखिए ओ में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो एस वे इंसान में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, अ हो रहा है ना कि ओ हो रहा है। जैसे मोटो में आपने देखा था कि ओ भी हो रहा था। फिर यू में यू का उच्चारण क्या हो रहा है, तो एस यू इंसान हो रहा है, यू का उच्चारण अ हो रहा है ना कि यू हो रहा है। उसके बाद डबल ओ के साथ देखिए, तो डबल ओ के साथ भी अब मैंने बताया था कि एफ एफ है एल डबल ओ डी में फ्लड का उच्चारण जो है अ के, मतलब डबल ओ का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है ना कि ओ के रूप में, लेकिन लोग क्या करते हैं ऊ ही पढ़ते हैं, जैसे कि आर डबल ओ एम में रूम पढ़ेंगे तो चलेगा डबल ओ एम, लेकिन अगर यहाँ लिख दिया है तो कैसे करेंगे, दिक्कत हो जाती है, लोग समझ नहीं पाते। तो दोस्तों आप हमारी बात को अगर समझ रहे हैं, अगर सहमत हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत कुछ आपके दिमाग में जो प्रश्न उठ रहे थे उसका समाधान यहाँ बहुत अंश तक मिल रहा है। अगर उसके बाद भी कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे वीडियोज़ में आने वाले वीडियोज़ में उसका रिप्लाई भी करने का, मतलब कि पूरा कोशिश किया जाता है कि भाई आपका जवाब जो भी प्रश्न उसका जवाब मिल सके, जो कि अच्छे जवाब होते हैं। तो चलो दोस्तों इस वीडियो में यही तक, तो बताइए ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको वाकई में इंग्लिश सीखने की जरूरत है, नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटे को आने वाले वीडियो के लिए। साथ ही उसे प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। दोस्तों इस वीडियो में बने रखें, धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग, मिलते हैं, ध्यान के अपना, धन्यवाद, थैंक्स का धन्यवाद, धन्यवाद।